डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, और उसमें भी स्पेशली अपन ने कौन सा लिया है, बॉम्बिक्स मोराई। सिल्क वर्म जिससे सिल्क अपन प्राप्त करते हैं, सिल्क जिससे प्राप्त करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म। और उस सिल्क वर्म की कई स्पीसीज है, जैसे एक बॉम्बिक्स मोराई है, उसी प्रकार से एंथेरिया पेपेया है, एंथेरिया आसामा है, खूब सारी उनकी स्पीसीज है जिनका अपन एक अलग से वीडियो, सेरिकल्चर पर अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर वहाँ पर पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर अपन केवल जो बॉम्बिक्स मोराई है, जो मलबेरी लीव्स होती है, शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाई जाने वाली जो बॉम्बिक्स मोराई है, जिससे सिल्क प्राप्त करते हैं अपन, मलबेरी सिल्क, जो इससे सिल्क प्राप्त होता है, जो सिल्क प्राप्त होता है वो मलबेरी सिल्क है, और वो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, वो रेशम होता है वो, और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, सिल्क वर्म, और उसका जूलॉजिकल नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोराई। तो उसकी लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अगर इनकी लाइफ साइकिल को अगर देखें तो वही चार स्टेज है, एडल्ट है, लार्वा है, एग्स है, लार्वा है और प्यूपा है। चार इसकी लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेजेस पाई जाती है, अडल्ट है, एग्स है, लार्वा है और उसका प्यूपा, ये चार पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी अडल्ट की क्या स्ट्रक्चर है। ये शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाया जाने वाला कीट है, सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोराई। इसकी अपन अगर संरचना को देखें तो इसकी संरचना के अंदर यहां पर ये इसके अपन ने मेन बॉडी दिखा रखी है, जिसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन होता है, और ये एक इंसेक्ट है। जो सिल्क वर्म है, बॉम्बिक्स मोराई है, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, इंसेक्ट है, और जो इसकी क्लास है वो इंसेक्टा है, क्योंकि उसमें थ्री पेयर लेग्स और टू पेयर विंग्स पाए जाते हैं, और ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा, और इसकी फैमिली है बॉम्बिसिडी। तो क्या हुआ, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, लेपिडोप्टेरा और फैमिली बॉम्बिसिडी, जीनस इसकी है बॉम्बिक्स। और अब इसके अंदर देखिए आप संरचना में क्या है, बॉडी डिवाइडेड है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, तीन जोड़ी इसके अंदर टांगे पाई जाती है और दो जोड़ी इसमें पंख पाए जाते हैं। तो ये एक सामान्य इंसेक्ट की संरचना होती है। लेकिन बॉम्बिक्स मोराई की लेंथ क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दिखा रखी है अपन ने, और ये क्रीमी व्हाइट कलर का होता है, क्रीमी व्हाइट। ये जब मेच्योर हो जाता है अडल्ट में, जब प्यूपा से जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने के बाद में इसकी लाइफ साइकिल केवल अडल्ट की 2 या 3 दिन के लिए होती है, और ये किसी प्रकार का फीडिंग नहीं करता है, क्योंकि इसके माउथ पार्ट्स है वो बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, फीडिंग ये नहीं करता है। यहां पे मेल और फीमेल को अपन अगर देखें, अगर आइडेंटिफाई करना चाहे, तो इसकी जो टांगे होती है उसमें जो 5 खंड होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। तो जो इसका टीबिया होता है, उस टीबिया के अंदर जो मेल की टीबिया है उसके ऊपर 2 स्पर पाए जाते हैं, 2 कंटिन्यूमस संरचना पाई जाती है, जिसको अपन स्पर बोलते हैं। तो 2 स्पर ऑन मेल टीबिया एंड 1 ऑन फीमेल टीबिया। तो अपन इसका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इसके अलावा देखिए, 8th एब्डोमिनल सेगमेंट इन मेल और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट इन फीमेल, यानी मेल के अंदर इसमें 8 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं और फीमेल के अंदर है वो 7 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं। तो इसके आधार पर भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, यानी या तो स्पर के आधार पर या फिर सेगमेंट के आधार पर। और जो मेल होता है उसमें एक कोपुलेटरी ऑर्गन भी होता है, जिसको एडिगस भी बोलते हैं और पेनिस भी बोलते हैं। तो ये एक अडल्ट की संरचना है बॉम्बिक्स मोराई की, शहतूत की पत्तियों पर पाया जाने वाला सिल्क वर्म, जिसको अपन बॉम्बिक्स मोराई बोलते हैं। उसका अडल्ट एक इंसेक्ट है ये, और इंसेक्ट में अपन जानते हैं कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है, इसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं, 2 पेयर विंग्स होते हैं, और आगे के भाग में इसमें एंटीना निकली रहती है। माउथ पार्ट्स अडल्ट के अंदर इनएक्टिव होते हैं। लेंथ है इसकी वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। इसके अलावा लाइफ साइकिल इसकी 2 या 3 दिन की होती है, फीडिंग ये नहीं करता है।
बॉडी में हेड थोरिक्स एब्डोमेन अपन ने बताया, एंटीनी बताया, वन पे कंपाउंड आई भी पाई जाती है, माउथ पार्ट्स इनएक्टिव होते हैं। मेल और फीमेल को अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसकी जो टांगे होती है, तीन जोड़ी टांगे होती है, तो टांगों के अंदर जो सेगमेंट होते हैं उनका कोक्सा, ट्रोकेटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, पांच सेगमेंट होते हैं। तो जो टीबिया होता है उसमें दो सपर होते हैं, दो सपर किसमें, मेल में दो कांटेनुमा संरचना निकली रहती है लेग के ऊपर, और फीमेल के अंदर एक होती है। इसके अलावा आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका क्या है, मेल में आठ एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं और फीमेल में सात होते हैं। इसके अलावा मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस या एडिगस पाया जाता है इसके अंदर। अब ये सहतूत की पत्तियों पर एग अंडे देती है, तो ये यहां पर अपन ने एग्स दिखाए जो कि सहतूत की पत्तियों के ऊपर दिए जाते हैं, एग ऑन मलबेरी लीफ, मलबेरी के ऊपर ये पत्तियों के ऊपर अंडे देते हैं। और अंडों को अपन देखें तो वो गोल होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा येलोइश होने लग जाते हैं। और एक जो फीमेल है वो 400 से लेकर के 600 तक अंडे देती है, और इन अंडों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोरियोन। कोरियोन यहाँ पर एग के ऊपर आवरण जो होता है वो कोरियोन का होता है, और इसके अंदर एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं अंडे के अंदर, प्रत्येक अंडे के अंदर एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्योंकि इंसेक्ट के जो एग होते हैं उनमें जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो जब स्पर्म उसके अंदर प्रवेश करता है तो बाकी एग्स के अंदर क्या होता है कि पहले स्पर्म है वो उसको अपने स्राव के द्वारा उस एग को ऊपर से डिजोल्व करता है, उसके बाद में प्रवेश करता है। लेकिन इंसेक्ट का जो एग होता है उसमें ऑलरेडी एक पोर, छिद्र होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, उसके द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करके इसको फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज जेसन के समय क्या, कॉपुलेशन के समय क्या होगा, इसके मेल और फीमेल है वो टेल टू टेल है वो कॉन्टेक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इन अंडों से 10 दिन के बाद में लार्वा निकलता है, थर्ड स्टेज इसकी क्या है, लार्वा। 10 दिन के बाद में अंडों से क्या निकलता है, लार्वा। अब इस लार्वा को भी देखें तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड सा लार्वा दिखाई देता है आपको, यहाँ पर इसका हेड भी है और जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है उसके ऊपर यहाँ पर तीन जोड़ी टांगे भी पाई जाती है, और पीछे की तरफ से एक कॉडल हॉर्न भी होता है, यानी एब्डोमन के ऊपर ये एक कॉडल हॉर्न दिखा रखा है। तो चार पेयर यहाँ पे एब्डोमन कॉडल हॉर्न पाए जाते हैं। इसकी लेंथ देखें अपन, स्टार्टिंग में जब ये हैचिंग होता है तो हैचिंग के समय इसकी लेंथ होती है 1/8 इंच, 1 इंच से भी थोड़ा कम लंबाई का होता है, और इसमें मैंडिबुलेट टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, येलो कलर का होता है। इसके हेड को देखें तो उसके अंदर 6 सेगमेंट होते हैं, और इसका बीच का जो थोरेक्स होता है उसमें 3 सेगमेंट होते हैं, ये इसका थोरेक्स है, 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। और इसकी जो एब्डोमेन होती है उसमें 11 सेगमेंट होते हैं। तो ये जब स्टार्टिंग में होता है तो 1 इंच से छोड़ा होता है, जब ये फुल्ली मेच्योर हो जाता है तब इसकी लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है ये। लेकिन इसके लंबा होने से पहले ये इसमें मोल्टिंग की क्रिया होती है, इसमें 4 बार मोल्टिंग होती है और 5 इंस्टार बनते हैं इसके अंदर। फर्स्ट मोल्टिंग, फर्स्ट इंस्टार, फिर सेकेंड इंस्टार, फिर थर्ड इंस्टार, फिर फोर्थ इंस्टार और फिफ्थ इंस्टार, यानी 4 बार इसके अंदर मोल्टिंग होगी और ये 5 इंस्टार बनेंगे और ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर मेटामोर्फोसिस की क्रिया होती है, और इसकी जो पीरियड है, इस लार्वा का जो पीरियड है वो लगभग 26 से लेकर के 28 दिन तक का होता है, क्योंकि इसकी कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है उसमें लगभग 45 डेज लगते हैं। तो जो लार्वा है वो 26 से लेकर के 28 दिन तक अवस्था में रहता है। यहाँ पर अपन ने देखिए कुछ लिख रखा है कि इफ इन फीमेल 2 ईसीवाटास इमेजिनल बड्स ऑन 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी यहाँ पे इसके जो लार्वा है उसको भी अपन पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। क्या पहचान, देखिए फीमेल के अंदर जो 8वां और जो 9वां सेगमेंट होता है एब्डोमन का, उसके ऊपर 2 स्पॉट होते हैं, 8वें और 9वें सेगमेंट के ऊपर एब्डोमन के, 8वें और 9वें सेगमेंट के ऊपर 2 स्पॉट होते हैं या बड्स निकली रहती है छोटी सी, उसको बोलते हैं इसी वाटा इमेजिनल बड्स, इसी वाटाज इमेजिनल बड। वो किस पर होती है, फीमेल पर। और अगर मेल को अगर देखें तो मेल के अंदर एक ही होती है, कौन से सेगमेंट में, 8वें और 9वें के बीच में, वो क्या है, उसको बोलते हैं हेरोल्ड्स इमेजिनल बड। तो
तो ये दो बड्स या दो स्पोर्ट पाए जाते हैं किसके ऊपर, फीमेल पे आठवें और नौवें सेगमेंट पे, और यहां पर मेल के अंदर है वो एक हीरोल्स इमेजिनल बड्स पाई जाती है आठवें और नौवें खंड के बीच में, तो अपन इसके मेल और फीमेल को भी पहचान सकते हैं। जब इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है उस समय इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड भी डेवलप हो जाती है, और जिसको अपन लेबियल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लार्वा जो इसका है वो काफी इंपोर्टेंट है, पीछे की साइड में इसके कॉडल हॉर्न होता है, फोर पेयर ऑन एब्डोमन, एब्डोमन के ऊपर चार पेयर पाए जाते हैं क्या, कॉडल हॉर्न। हेड है थ्री सेगमेंटेड, सिक्स सेगमेंटेड, थोरेक्स है थ्री सेगमेंटेड, और प्रत्येक के अंदर क्या पाई जाती है, एक जोड़ी लेग्स पाई जाती है। यहां पर ये अपन देखो दिखा रखा है स्पाइरेकल्स, ये छिद्र होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, एब्डोमन के ऊपर, और वो श्वसन छिद्र होते हैं, इसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं, उनको बोलते हैं स्पाइरेकल। लेंथ अपने बताई 1 इंच से छोटा है, लेकिन जब इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया हो जाएगी, पूरी मोल्टिंग की क्रिया हो जाएगी, 5 इंच स्टार बनेंगे, 4 मोल्टिंग होगी, और ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड भी डेवलप हो जाती है। इसके मेल और फीमेल को अपन इसी वाटा इमेजिनल कॉल्ड बर्ड्स और हेरोल्ड्स इमेजिनल बर्ड्स के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। 26 से 28 दिन का पीरियड गुजारने के बाद में ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ पर अपने इसका प्यूपा दिखाया है, और प्यूपा को की भी क्या किया है, खोल करके दिखाया है। तो लार्वा से प्यूपा के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, प्यूपेशन। और उस प्यूपेशन में क्या होता है कि लार्वा के अंदर जो सलावरी या लेबियल ग्लैंड पाई जाती है, वो सलावरी ग्लैंड एक स्राव स्रावित करती है, और इसका हेड जो है, लार्वा का हेड है वो रोटेशन करता है, यानी 65 रोटेशन पर मिनट करता है वो, जिससे क्या होगा कि जो सलावरी ग्लैंड के द्वारा जो सलावा जो सिक्रेट किया जाता है रेशम, और वो इसके ऊपर लिपटता जाता है, और ये किस में बदल जाता है, कोकून में। तो ये इसका प्यूपा है, यानी प्यूपा है क्या एक्चुअल में, लार्वा के ऊपर जो रेशम लिपटता है वो ही क्या कहलाता है, इसका प्यूपा कहलाता है। तो ये यहां पर अपने खोल करके कोकून दिखाया, कोकून कट ओपन टू शो प्यूपा, कोकून को अपने काट करके दिखाया कि उसके अंदर प्यूपा है, और ये चारों तरफ उसके क्या लिपटा हुआ है, रेशम। तो ये है इसका प्यूपा, और ये प्यूपा है वो 10 से 12, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसका जो लाइफ स्पान है वो 10 से 12 दिन का होता है। और यहां पर भी इस प्यूपा को भी अपन और मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं कि इसकी प्यूपा के अंदर मेल है या फीमेल है। कैसे, इन फीमेल वर्टिकल लाइन ऑन एड सेगमेंट, आठवां जो सेगमेंट है इसका, उसकी वेंट्रल साइड के ऊपर फीमेल के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है, जिससे उसको अपन पहचान सकते हैं कि ये मादा है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये कोकून पाया जाता है, 10 से 12 दिन के बाद में ये कन्वर्ट होता है अडल्ट के अंदर। तो इस प्रकार से ये इसकी लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म की। तो यहां पर भी वही 4 स्टेज है, अडल्ट है, एग है, लार्वा है, और प्यूपा है। इसके प्यूपा को क्राइसिलिस बोलते हैं, जो इसका प्यूपा होता है सिल्क वर्म का, उसी का नाम क्या है, क्राइसिलिस। तो इस प्रकार से लार्वा क्या करता है, अपने ऊपर है वो सिल्क स्रावित करता है, जो हवा के संपर्क में आकर के थोड़ा हार्ड या धागे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन सेरिकल्चर अलग वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, और वो ही क्या कहलाता है, बाद में कोकून कहलाता है। तो इस प्रकार से एक कोकून के अंदर है वो 1000 मीटर लंबा है, वो रेशम का धागा है वो लिपटा रहता है, और अगर इस प्रकार के कोकून अगर अपन 2500 अगर कोकून ले तो उससे 1 पौंड है वो रेशम प्राप्त किया जा सकता है। तो और यही वो सीड है, सेरिकल्चर में जब अपन पढ़ेंगे एक सीड नाम आएगा, तो वो सीड क्या है, इसी कोकून को बोलते हैं, इन्हीं को इकट्ठा किया जाता है, और इन्हीं को इकट्ठा करके अपन क्या प्राप्त करते हैं, सिल्क प्राप्त करते हैं, उसकी एक अलग मैकेनिज्म है जिसका अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये इसका प्यूपा, और उसके बाद में ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार लगभग 45 डेज है वो इसकी लाइफ साइकिल में लगते हैं, क्योंकि यहाँ एग से 10 दिन हैचिंग होने में लगते हैं, 26 से 28 दिन तक लार्वा अवस्था रहती है, और प्यूपा वो 10 से 12 दिन तक लगभग रहता है, और ये खुद अडल्ट है वो 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। जब इसके अंदर कॉपुलेशन की क्रिया होती है उसके बाद में है वो मेल की डेथ हो जाती है, और एग लेइंग के बाद में जब अंडे दे दिए जाते हैं उसके बाद में फीमेल की भी है वो डेथ हो जाती है। तो
मेल और फीमेल है वो दोनों की डेथ हो जाती है। इस प्रकार ये लाइफ साइकिल है किसकी, बॉम्बिक्स मोराई की यानी सिल्क वॉर्म की। तो ये यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो सेरिकल्चर पर है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।